हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार इन्फोमेनिया में। दोस्तों आज की हमारी वीडियो एक टू द पॉइंट वीडियो होने वाली है, कहीं भी आपको स्किप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका ज़्यादा टाइम खराब नहीं होगा। एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, सिंपल से इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि मैंने टाटा एल्ट्रोज 2021 में परचेज की और मेरे को इसी के साथ साथ और भी ऑप्शन मिल रहे थे, मेरे पास ऑप्शन थे इसी बजट रेंज में, जिसमें कि ऑप्शन में आता है मारुति सुजुकी बलेनो, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, साथ ही हुंडई i20। ये तीन मेजर ऑप्शन जो मैंने खुद के लिए रखे हुए थे। हालांकि और भी गाड़ियाँ हैं, जैसे मारुति की सिलेरियो है, टाटा टियागो है, वोल्सवैगन पोगो है, तो लेकिन और भी ऑप्शन थे, लेकिन मैंने अपनी लिस्ट में जो मेरी प्रेफरेंस के हिसाब से ये चार ऑप्शन लिए थे, टाटा एल्ट्रोज, मारुति सुजुकी स्विफ्ट, बलेनो एंड हुंडई i20। फिर भी मैंने प्रेफरेंस दी टाटा एल्ट्रोज को। तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि मैंने टाटा एल्ट्रोज उन गाड़ियों के ऊपर रख प्रायोरिटी देके क्यों परचेज की, साथ ही जिस एक चीज का मुझे अफसोस है वो क्या है कि मैं टाटा एल्ट्रोज की जगह अगर उन बाकी तीन गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी लेता तो मुझे क्या चीज एक्स्ट्रा मिलती जो मुझे टाटा एल्ट्रोज में नहीं मिली, जिसका मुझे ऑलमोस्ट हर एक से दो दिन में अफसोस होता रहता है जब भी मैं अपनी गाड़ी ड्राइव करता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी चीज़ और बताना चाहेंगे, अगर आप भी टाटा एल्ट्रोज लेने की सोच रहे हैं और थोड़े बजट सेंट्रिक हैं तो आप इसके जो ये तो मैंने बेस मॉडल लिया, एक्सी मॉडल है टाटा एल्ट्रोज, हालांकि इससे जो अपर वेरिएंट है, मतलब वैसे वेरिएंट तो सेम है बस कुछ फीचर्स अलग होंगे, एक्सी रिदम के नाम से इसका इससे अपर वेरिएंट जो आता है वो है, जो कि काफ़ी अफोर्डेबल है। इसके सभी मॉडल्स में वो काफ़ी अफोर्डेबल है, उसमें आपको अराउंड 35,000 से 40,000 के डिफरेंस में आपको म्यूजिक सिस्टम, सेंट्रल लॉकिंग और चारों पावर विंडो और भी दो तीन चीज़ें मिल जाती हैं एडिशनल, जो कि एक इस रेंज में आप आफ्टर मार्केट भी कराएंगे तो उतना क्वालिटी का काम आपको नहीं मिलेगा। मैंने एक्सी मॉडल इसलिए मेरे को लेना पड़ा क्योंकि जिस शोरूम से मैं ले रहा था हमारे एरिया में सिटी में, वहाँ पे क्या है जो एक्सी रिदम का जो था उसकी वेटिंग काफ़ी ज़्यादा थी, अराउंड 3 months तक की वेटिंग थी। अगर आपको एक्सी रिदम अवेलेबल है तो आप एक्सी रिदम की तरफ ही जाए, अगर आप ज़्यादा बजट सेंट्रिक है तो, अदरवाइज आप XM, XM प्लस ले सकते हैं अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि टाटा एल्ट्रोज मैंने ये बुक कराई थी जनवरी 2021 में। सबसे पहले प्राइसिंग से ही शुरू करते हैं, मेरे को जो एल्ट्रोज बेस मॉडल ऑन रोड प्राइस जो मेरे को पड़ा था वो पड़ा था मेरे को 6,02,000 रुपये एग्जैक्ट ऑन रोड प्राइस, उसमें एक्स शोरूम प्राइस मिला के RC इंश्योरेंस सब मिला के 6,02,000 में मुझे फाइनल अपनी गाड़ी पड़ी थी। अब इसी सेगमेंट की जो और गाड़ियाँ जैसे मारुति सुजुकी स्विफ्ट जो है, बलेनो है या फिर हुंडई i20 है, तो जो स्विफ्ट आ रही है अभी ऑन रोड बेस मॉडल जो आ रहा है वो आ रहा है 5,73,000 में, बलेनो का जो बेस मॉडल आ रहा है स्टार्टिंग प्राइस वो है 5,98,000 में, और साथ ही जहाँ i20 की बात करें तो वो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा है जो मेरे बजट के भी बाहर था, वो i20 जो शुरू होती है वो होती है 6,85,000 से। तो गाड़ी लेते वक्त हम सबका मेन जो पॉइंट होता है वो होता है हमारी गाड़ी का बजट कितना है, हमारे पास हमें किस कॉस्ट में गाड़ी लेनी है। तो मेरा जो बजट था वो जैसे कि आपको पता चल गया होगा 6,00,000 का मेरा बजट था गाड़ी लेने का, और 6,00,000 के बजट में मुझे ये चार गाड़ियाँ मेरी लिस्ट में थी जो मैंने आपको अभी बताई है। दोस्तों अब सीधा मुद्दे पे आते हैं, अपना बजट डिसाइड था 6,00,000 रुपये का बजट है गाड़ी लेनी है, गाड़ी की लिस्ट तैयार थी कि कौन सी गाड़ी परचेज करनी है, उसमें चार ऑप्शन थे एल्ट्रोज, बलेनो, स्विफ्ट और i20। अब सबसे पहले बात करते हैं मारुति स्विफ्ट और बलेनो। सबसे पहले हम सभी को बताएं कि मारुति की जो भी गाड़ी मारुति अभी क्या कर रही है, अपनी गाड़ी में वेट कम करती जा रही है, क्वालिटी डिग्रेड करती जा रही है और माइलेज बढ़ाती जा रही है। तो हालांकि माइलेज जरूरी होता है, मैं भी ऑफिस अप डाउन होता है, मेरी डेली की ड्राइविंग होती है, तो लेकिन फिर भी माइलेज साइड में रखते हुए हम एक बार प्रेफरेंस देंगे बिल्ड क्वालिटी को। तो मैं खुद भी पर्सनली भी मैं ये चाहूंगा कि गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी ज्यादा अच्छी हो, माइलेज थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए चल जाएगा, लेकिन मुझे टाटा एल्ट्रोज देने के बाद माइलेज का भी इशू नहीं आया, मुझे बिल्ड क्वालिटी के साथ माइलेज भी गाड़ी अच्छा दे रही है, जो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो पॉइंट आता है बलेनो और स्विफ्ट जो है, दोनों ठीक है, बलेनो काफी रिलायबल गाड़ी है, बलेनो के फिगर्स काफी अच्छे, सेल्स काफी अच्छी रहती है, लेकिन फिर भी बलेनो के कंपैरिजन में टाटा एल्ट्रोज थोड़ी ज़्यादा स्पेशियस है, मतलब लगती भी है और जेन्युइनली है भी, थोड़ी स्पेशियस गाड़ी ज़्यादा है, बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की ज़्यादा अच्छी है। हालांकि बलेनो और स्विफ्ट दोनों में ही मारुति की में मेंटेनेंस भी कम है और माइलेज भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी दोनों में ही बिल्ड क्वालिटी हम सबको पता है, आए दिन हम देखते भी रहते हैं फोटोज़, एक्सीडेंट्स की भी फोटोज़ देखते रहते हैं, और NCAP रेटिंग भी हमें पता है 3-star, 2-star रेटिंग है, 4-star रेटिंग है, लेकिन टाटा एल्ट्रोज जो है, टाटा की ऑलमोस्ट हर गाड़ी 4 से 5 star रेटिंग लेके आती है, और ये तो पहली हैचबैक थी इंडिया की जो कि NCAP 5 रेटिंग लेके आई, 5-star रेटिंग लेके आई। तो बलेनो को लेके और स्विफ्ट को लेके मैं बिल्कुल क्लियर था, मैंने पहले ही साइड कर दिया था कि मुझे माइलेज और मतलब मेंटेनेंस एल्ट्रोज का भी इतना ज्यादा मेरे को नहीं लग रहा है, लेकिन माइलेज में जो फर्क है वो मैं मैनेज कर लूंगा, 1 से 2 किलोमीटर गाड़ी माइलेज कम दे ले, लेकिन मुझे सेफ्टी और बिल्ड क्वालिटी अच्छी चाहिए थी गाड़ी की, तो मैंने बलेनो को और मारुति स्विफ्ट को पहले ही साइड कर दिया। अब बात आती है
हुंडई i20 थोड़ी सी ओवर प्राइस थी, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है गाड़ी में, बेस मॉडल 6,85,000 से शुरू होता है। तो मेन पॉइंट तो मेरा यही था कि मेरा बजट 6 लाख रुपए का है, तो फिर भी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ अगर मैं कर लेता। लेकिन जो हुंडई i20 में फ्रंट से गाड़ी अच्छा लुक देती है, मेरा मेन रीज़न था जो हुंडई i20 को साइड करने का, वो रियर व्यू उसका लुक जो है वो मुझे एक्चुअल में काफ़ी पसंद नहीं आया। और बहुत से लोगों का ही ये मतलब पॉइंट ऑफ व्यू है कि i20 अच्छी हो गई है जो नई शेप आई है फ्रंट से, लेकिन रियर से उसकी अच्छी लुक है नहीं। अब लुक भी पसंद नहीं है, ओवर प्राइस भी लग रही थी, या ओवर प्राइस नहीं कहेंगे, मेरे बजट से बाहर मेरे को लग रही थी, तो इसलिए मैंने हुंडई i20 को भी साइड रखा। अब हम बात करते हैं अपनी टाटा एल्ट्रोज की, कि मुझे सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ इस गाड़ी में क्या क्या मेन अच्छी सही चीज़ें हैं, अच्छी बात है। सबसे पहले जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, 5-स्टार रेटिंग है गाड़ी की, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। दूसरी बात क्या है कि गाड़ी में स्पेस जो है वो काफ़ी है, मतलब एज ए कंपेरिजन टू हैचबैक, मतलब और गाड़ियों से आप कंपेयर करेंगे, इवन स्विफ्ट से कंपेयर करेंगे या टाटा टियागो, थोड़ी कम प्राइस में आती है, लेकिन फिर भी मारुति सिलेरियो जो कि जो भी वो भी 5-6 लाख के बजट में गाड़ियाँ आ रही हैं, तो स्पेशियस गाड़ी लगती है और एक प्रीमियम हैचबैक है, मतलब प्रीमियम लुक गाड़ी देती है। लुक वाइज मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद है, और खासकर इस कलर में तो लुक गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है। तीसरी चीज़ जो आती है कि गाड़ी में जो माइलेज है वो शुरू से ही गाड़ी का माइलेज काफ़ी अच्छा है, हाईवे पे गाड़ी 22-23 का माइलेज दे रही है और लोकल में 16-18 के बीच का गाड़ी माइलेज दे रही है। तो दोस्तों मैंने आपको माइलेज का बताया, माइलेज से मैं काफ़ी खुश हूँ, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं इंटीरियर में, इंटीरियर में जब आप कैबिन देखेंगे गाड़ी का, तो आप कंपेयर करेंगे स्विफ्ट से, i20 से या किसी भी इस रेंज की गाड़ी से, तो और गाड़ी में कैबिन जो है तो लुक भी इतनी मतलब सही, मेरे को इसकी काफ़ी सही लगी, प्रीमियम लुक लगी। और उनमें जो क्वालिटी देखेंगे ना आप कैबिन की, इवन मारुति गाड़ियों में कैबिन इवन आप हाथ लगाएंगे वो दब भी जाता है, तो मटेरियल जो है जो वो बहुत लाइट यूज़ किया जाता है, लेकिन टाटा ने बहुत ही सॉलिड, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ कर रखा है। और कैबिन मेरे को काफ़ी पर्सनली मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, एक वाइडर कैबिन है और काफ़ी प्रीमियम लुक देता है कैबिन इन कंपैरिजन टू बलिनो या फिर स्विफ्ट। तो आप जरूर एक बार नजर मारिएगा अगर आप इस बजट में गाड़ी देख रहे हैं, तो टाटा एल्ट्रोज इंटीरियर से भी काफी अच्छी लुक देती है। तो यही था मेरा मतलब एक रीजन भी टाटा एल्ट्रोज को परचेज करने का। दोस्तों अब आपको बताना चाहेंगे जिस बात का आप भी वेट कर रहे हो कि मुझे ऐसा क्या अफसोस हुआ जो मुझे टाटा एल्ट्रोज लेने के बाद हुआ, और इन कंपैरिजन अगर मैं स्विफ्ट बलिनो या i20 लेता तो मुझे वो अफसोस, वो चीज़ कहीं ना कहीं नहीं खलती। तो टाटा एल्ट्रोज के कंपैरिजन में जो स्विफ्ट है, बलिनो है, i20 है, मैंने तीनों ही टेस्ट ड्राइव चला के देखी हुई है, तो तीनों में इसके मुकाबले ज़्यादा पिकअप है, ज़्यादा पावर है। अब पिकअप और जो पावर है वो गाड़ी में जब आप रेस पे पैर रखते हैं तो आपको फील होती है वो चीज़, पहले दूसरे गियर में ज़्यादा फील होती है, हालांकि थर्ड फोर्थ फिफ्थ गियर में इतनी नहीं होगी वो चीज। मैंने भी कॉम्प्रोमाइज करा इस चीज से, क्योंकि आपको 10 चीजें सही मिल रही है, एक में आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़े तो कहीं ना कहीं आपको करना चाहिए। पर्सनली मेरा तो ये पर्सपेक्टिव है, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन मैं जब भी ये गाड़ी ड्राइव करता हूँ, हालांकि जब हाईवे पे होता हूँ या फिर कहीं जल्दी में होता हूँ, तो वो चीज फील होती है, पावर की थोड़ी सी कमी फील होती है। उसका रीजन ये भी है कि इसमें 3-सिलेंडर एस्पिरेटेड इंजन है, इन कंपैरिजन जो दूसरी गाड़ियाँ में उनमें मतलब इंजन अलग है, काफ़ी अच्छी पावर है इंजन की, तो इसी वजह से इसमें क्या है कि पावर की कमी फील होती है और इसी चीज़ का मुझे अफसोस है। इसके अलावा गाड़ी से कोई कंप्लेन नहीं है किसी भी चीज़ की। मैंने एक सर्विस कराई फ्री वाली, जनरल चेकअप था, दूसरी भी मेरी अब होने वाली, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा इशू आ रहा है, उसकी भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा कि मेरा सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा। साथ ही गाड़ी से और कोई कंप्लेन नहीं है। आप एक बार गाड़ी का बूट स्पेस भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी में जो है बूट स्पेस 369 लीटर्स का बूट स्पेस है, काफ़ी बड़ा बूट स्पेस है, अंदर गाड़ी में काफ़ी अच्छी स्पेसिंग है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, माइलेज अच्छा है, तो ऑलमोस्ट मैं गाड़ी को 10 में से 9 नंबर देना चाहूँगा। एक जस्ट वो पावर के लिए मैं वो डिडक्ट करना चाहूँगा नंबर, अदरवाइज मेरे लिए गाड़ी मतलब एक तरह से आप 10/10 कह सकते हैं, लेकिन एक जो कमी थी वो मैंने आपको बता दी है। तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो, आई होप इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर एक डिसीजन लेने में भी थोड़ी क्लैरिटी मिले एल्ट्रोज को लेके, और बाकी और गाड़ियों के कंपैरिजन में आपको फ़र्क फील हो जाएगा कि इसमें क्या चीज़ चाहिए। आपकी जो प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, आप स्विफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं, बलिनो की तरफ भी जा सकते हैं, आप i20 लेने की भी सोच सकते हैं। सबका अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव होता है, पर्सनल पसंद होती है अपनी खुद की, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था, आई होप इससे आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो गई होंगी। तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को इसी तरह की वीडियोज़ लेते रहने के लिए, और अगर आप गाड़ियों के रिव्यूज़ या फिर मॉडिफिकेशन की वीडियो लेना चाहते हैं तो हम रेगुलर अपडेट्स आपको देते रहते हैं। तो अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू।